हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कबूतर। तो आज 1 तारीख है, तो आप सबको दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। और ये दाना बचा हुआ था कल का, तो डालता हूँ। तो मैं 1-2 हफ्ते से एक ही टाइम इनको दाना डाल रहा हूँ, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता मेरे को, यहाँ पे दाना रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इनको दाना डाल देता हूँ। तो 2 ढक्कन डालूंगा भर भर के, फिर बाद में और कम पड़ जाएगा तो और डाल दूँगा। वैसे 2-2.5 ढक्कन ही खाते हैं ये, तो 1 और ढक्कन डाल दिया ये। तो इधर इनका पेट बढ़ जाएगा। टोटल 6 कबूतर हैं। तो देख सकते हो आप, ये सारे कबूतर आने शुरू हो गए। ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये दोनों बच्चे ऊपर ही हैं, ये ऊपर चला गया। तो 2-4 यहाँ पे हो गए। और दिखाता हूँ मैं आपको सही से, ये देखो इनको, ये बच्चा आ गया मद्रासी बच्चा, ये वाला, ये भाग गया, ये पंजाबी बच्चा। इसको मैंने पहले बताया था, इसको ये एक पैर पर ख़राब हो गया है। पहले इसके दोनों पैर ख़राब हुए थे, एक पैर दोबारा ख़राब हो गया इसका, तो खड़ा नहीं हो पाता। एक पैर से सही, एक पैर इसका सही है, एक पैर इसका ख़राब हो गया। तो आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखो पंजाबी जोड़ा, जो मेन जोड़ा पंजाबी जोड़ा है। तो एक बच्चा निकल गया अंडे से, और एक अंडा और तो निकल जाएगा, कल निकल जाएगा इसका। देखते भी निकला, ये बादी ना गई। दोस्तों यही बता रहा था आपको, ये जो बच्चा था ये 2 महीने का लगभग होने वाला है, इसका दोनों पैर ख़राब हो गए थे। मैंने इसका इलाज किया था, तो एक पैर का ठीक हो गया, टाइम नहीं मिल गया, इसलिए एक टांग से ख़राब हो गई। अब ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि टेढ़ी हो गई इसकी टांग, तो इसलिए अब ये एक टांग से ख़राब ही रहेगा। ये देखो ये बच्चा मद्रासी बच्चा, तो इसके माँ बाप दोनों भाग गए थे, और इसके साथ जो एक बच्चा निकला था वो मर गया था। 30-40 दिन का हो गया, बीमार हो गया था, तो भी मर गया। तो सब ऐसे हो रहा था, क्योंकि खाली मेरे को टाइम नहीं मिल पा था, और वो दोनों इसलिए भाग गए क्योंकि घर वालों ने खोल दिया तो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तो इसलिए अभी देख सकते हो यहाँ पर बादी बैठी हुई अंडों पर, उसको पास से नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, तो नज़र लग जाती है, क्योंकि नज़र लग जाती है ना फिर मर जाते हैं। एक ही जोड़ा पंजाबी का है, उसको बच्चे उच्चे हो जाए और बहुत सारे, तो दिखाता हूँ मैं आपको बाद में। तो यहाँ पर सब दाना वाना खा रहे हैं आराम से, ये देखिए दूर से। तो दोस्तों कबूतरों को पानी रख देता हूँ, दाना वाना खा लिया। तो देख सकते हो अभी इनका आगे कटोरा, और इसमें पानी डाल देता हूँ। लेकिन ठंड का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो पानी आपको गर्म डालना है, ऐसा गर्म नहीं होना चाहिए कि जल जाए वो, तो ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ऐसा पानी होना चाहिए बिल्कुल ठंडा नहीं होना। तो हल्का सा मैं गीजर गर्म पानी लेके आता हूँ और इसमें डाल देता हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं लगा रहा, बस ठंडा नहीं होना चाहिए। देखो बस जैसे पानी डाला, बाजी ला के पानी पीने लगी। तो ये देख सकते हो आप, ठंडे के मौसम, क्योंकि बच्चा निकल गया है और ठंडा पानी पिला देंगे तो मर जाएंगे बच्चे। तो 1-2 दिन पानी नहीं पिलाएंगे, उसे दूध ही पिलाते, तो मिल्क होता है इनका। तो इसमें लगा दिया मैंने ये, और यहाँ पर सारा कबूतर आके पानी पी लेंगे आराम से। और ये सब दाना वाना खा रहे हैं सारे कबूतर। देख सकते हो आप, दूर से दिखाते हैं, 6 कबूतर हैं टोटल, 2 जोड़े हैं और 2 बच्चे हैं। देख सकते हो आप, तो 4 तो पंजाबी हो गए, और वाइट वाले 4 पंजाबी हैं, और एक लाल वाला सिराजी कबूतर है, और ये ब्लैक जो काली ब्लैक है, ये वाला मद्रासी कबूतर है। तो दिखा दिया मैंने दोस्तों आपको, ये देख सकते हो आप, ये केज दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने अंडे दिया सिराजी कबूतर, 2 अंडे दिए थे लेकिन एक अंडा ख़राब हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एक अंडा और एक बच्चा पंजाबी कबूतर का, पंजाबी मलवई। तो दोस्तों यही इतना ही था आज की वीडियो में, और बाकी अभी दिखाता हूँ। ये देख तो केज दिखाया था, ऊपर 2 खाने हैं, तो पूरा इसको सेटअप करना है अभी, तो टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए सेटअप नहीं हो पाया। देखो सारा कबूतर पानी नहीं पी रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ये तो इनको बंद करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये जोड़ा आप पंजाबी बलवई का जोड़ बच्चा, ये 6-7 महीने का हो गया है, और ये सिराजी कबूतर देख सकते हो आप, ये पाव मोच है। ये सिराजी कबूतर जो होते हैं खूबसूरत है, इसने 2 अंडे दिए थे, तो एक अंडा इसका ख़राब हो गया, बंदर आए थे छत पर, तो बंदरों ने कुछ कर दिया होगा, तो एक अंडा साइड हो गया था और दूसरा अंडा टूट गया था। तो मैं ऊपर आकर देखा तो एक अंडा साइड में रखा हुआ है और एक अंडा टूट गया। और ये पता नहीं अभी 16-17 दिन ही हुए हैं, ये अंडों में बैठ नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तो इसमें बच्चा तो बन ही गया, लेकिन ये देख सकते हो आप, ये पंजाबी बच्चा जिसका पैर ख़राब हो गया, एक पैर का ठीक है, एक पैर का ख़राब हो गया। देख सकते हो कितना अच्छा बच्चा निकला था ना, इतना खूबसूरत बच्चा, पता नहीं किस्मत ही ख़राब है, टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे को। इसलिए आज तो 1 तारीख है, और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी दोस्तों को। ये देख सकते हो आप, ये मद्रासी बच्चा देख सकते हो आप, ये इसका भी दोनों माँ बाप भाग गए, और इसके साथ जो बच्चा निकला था वो भी मर गया। तो किस्मत बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या होता है, कभी दिखा देता हूँ तो नज़र लग जाती है क्या हो जाता है। भागने का तो यही था कि घर वालों ने खोला था, तो डर के भाग गए थे वो फर्स्ट टाइम आ, क्योंकि घर वाले कुछ खोलते नहीं कभी। तो देख सकते हो इसका उंगली पूरी ख़राब हो चुकी है इसकी, देख सकते हो आप ये। और ये जोड़े देख सकते हो अभी, ये पता नहीं क्यों अंडे भी नहीं बैठ रहे, 15-16 दिन ही हुआ है लेकिन अंडे भी नहीं बैठ रहे, एक बच्चा निकल जाता है। और ये देखो पंजाबी जोड़ा, पास से नहीं दिखाऊंगा इनको, ये दोनों अंडों बच्चों में बैठे हुए हैं।
देखता हूँ तो इनको कबूतरों को बंद करता हूँ शाम का टाइम में। और ये देख सकते हो आप, ये तो कुंडी उन्नी लगा दी इसमें और ये भी लगा दी लॉक, ठीक कोई खोल ना पाए। देख सकते हो आप, ये अब इसमें कोई मच्छर वगैरह चिपली वगैरह चूहा वगैरह कुछ नहीं जा सकता। देख सकते हो इसके पास बारीक बारीक जाली बिल्कुल। और इसको मैं ढक देता हूँ, तो ये प्लास्टिक आटे का है इसको ढक देता हूँ और ऊपर से मैं कपड़ा डालता हूँ। ये है पर्दा जो होता है घर का जो बेकार हो गया था, इसको मैं ढक देता हूँ पूरा सही से। देख सकते हो आप, ये पूरा सही से ढक गया और इधर से भी कपड़ा लगा रखा है और नीचे से ये प्लास्टिक की सीट लगा रखी है। ये देख सकते हो आप, ये पूरा ढक गया इसका। और क्योंकि ठंड का मौसम है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है दो तीन दिनों से, तो आज तो 1 तारीख है। और सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर पेट्स के फैमिली की तरफ से। तो ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पर भी लगा दिया और कबूतर सही से बिल्कुल गर्म रहेंगे अंदर। और यहाँ पर इसको कर दूंगा इसको सही तरीके से, तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। देखो अब इसमें कहीं भी हवा, यहाँ पर थोड़ा सा फुला हुआ है ऊपर का खाना है तो सांस लेने के लिए सही है, थोड़ा सा फुला है, कोई टेंशन नहीं उसका, तो पूरा बंद भी नहीं कर सकते। तो कबूतर सारे बंद हो गए, अब चलते हैं नीचे और पानी को भी ढक देते हैं, क्योंकि तो पानी तो चेंज कर देता हूँ लेकिन फिर भी ढक देता हूँ पानी को। तो आगे नीचे तो कमरे में, तो कमरे में रखे मैंने भजीर, तो भजीर को भी दाना पानी डाल देते हैं। इनका दाना ख़त्म हो गया था, देख लो अभी मैं सुबह शाम को डालता हूँ इनको, क्योंकि एक ही टाइम डालता हूँ, 3 टाइम डालता हूँ ठंड के मौसम में, 3 टाइम डालता हूँ और गर्मी में 2 टाइम डालता हूँ। तो देखिए आप, ये बीच में कुछ वगैरह कुछ अंडे वगैरह संतरा चीज ये सब डाल देता हूँ, तो सुबह शाम कंगनी दाना डालता हूँ। तो देख सकते आप, ये सारे बार आ गए यहाँ से, तो ऊपर आपको बताइए 4 जोड़े हैं और पैक और डिटेल में भी देखने आपको पिछले जाके देख सकते हो आप, पिछले जो ब्लॉग डाला मैंने। तो देख सकते हो आप, ऊपर खाना हो गया, ये लाइट भी लगा रखा है, फिर ये गर्म रहेगा ऊपर, ये जो मजीज है थोड़ा गर्म रहेंगे शॉर्ट का बदल खाने के लिए। ये देख सकते हो आप, ये और नीचे वाले खाने में भी डाल देता हूँ दाना पानी। बस इनका यही परेशानी है कि जब ये कंगनी दाना खाते हैं तो उसको छिलका निकालते हैं तो गंदगी फैल जाती है कमरे में बहुत ज़्यादा। तो दूध डाल दिया दोस्तों, एक एक कटोरी डाल देता हूँ, ये खा लेते हैं क्योंकि मजे से। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, लाइट जली है सवाड़ की, अच्छी वीडियो बन गई है। देख सकते आप, ये देखो सारे बर्ड्स आ गए, देखो सोचिए ऊपर बैठे हुए, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बर्ड्स। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, आपके लिए कुछ लाइक। देखो ये अंदर चली गई फीमेल, ये भी फीमेल है, ये दोनों फीमेल ने ऊपर से निकाल के नीचे खाने में कुछ किया था क्योंकि ये अंडे बच्चे कम करने लगा। देखो एक फीमेल अंडे बैठी हुई है, ये अंडे बैठी शायद, ये देख सकते हो आप, ये सारे बर्ड बिल्कुल फिट है। और ये दिखाता हूँ इसमें, देख सकते हो कितने सारे अंडे, काउंट कर लो कितने सारे अंडे हैं। ये देखो जब सही फर्क करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने अंडे, 10 अंडे हैं, लेकिन ये इसमें पुराने अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 अंडे नए दिखाई दे रहे हैं। आप देखो 3 अंडे 3 4 अंडे नए और बाकी पुराने ही है, तो इसको मैं बाद में निकाल दूंगा, नहीं तो फिर ये अंडे बाकी अंडे अंडे भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप, ये सारे बल्ब को बिल्कुल कितने प्यारे लग रहे हैं, लाइट में शॉर्ट बल्ब जा रखा है ना, तो प्यारे लग रहे हैं, इनको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा जंगली कबूतरों के लिए डाल देता हूँ क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर है, उनको भी पार्टी बनती है, तो जानवर पक्षियों के लिए भी थोड़ा होना चाहिए। उससे मैं डालता हूँ, डेली डालता हूँ, लेकिन आज स्पेशल पूरा सही से डालूंगा। तो ये मकई डाल दी और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा लूँगा बाजरा और गेहूँ और पूरा भर के इनको डालूंगा। तो इसमें थोड़ा डाल देते हैं बाजरा, देख सकते हो आप बिल्कुल। तो बाजरा और मक्की और गेहूँ में ला के रखता हूँ, 5-5 किलो का ला के रख देता हूँ और डालता रहता हूँ अपने कबूतरों को भी और जंगली कबूतरों को भी डाल देता हूँ शाम के टाइम जब घर पे रहता हूँ तो डाल ही देता हूँ। तो ये डेली नहीं डालता लेकिन घर में जब रहता हूँ डाल ही देता हूँ क्योंकि बर्ड्स आते हैं, एक दो बार डाल दो ना फिर वो आदत हो जाती है। तो देख सकते हो अब एक कटोरी पूरा भर लिया मैंने और यहाँ पे दोस्तों मैंने देखो डाल दिया मैंने, यहाँ पे सब कबूतर आ गए घर के सामने, जो घर है हमारा छोटा सा छत है इसमें भी डाल देता हूँ, कबूतर आ जाते हैं। इस टाइम तो कम आया लेकिन धीरे धीरे सारे कबूतर आ जाएंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना।